Good morning, students. Welcome to our class from home to home. Today we are going to read a poem, Little by Little. The poet of this poem is unknown, means anonymous. This poem tells the story of an acorn which grows into a huge, mighty oak tree after a long time. So let's start. Little by little, an acorn sat as it slowly sank in its mossy bed. I'm improving every day, hidden deep in the earth away. Shown here is the picture of an acorn. And below it, you can see earth covered in moss. So let's go to the word meanings. Sank is the past form of sink, means go down below the surface. Mossy means covered in moss. And what is moss? Very small plant without true roots and flowers. This plant doesn't flower. Here you can see the picture of a tree trunk covered with moss. And hidden is kept out of sight. Concealed means छुपा हुआ, जो हमको दिखता नहीं है, छुपा हुआ, hidden. जो acorn seed था वो earth के अंदर चला गया था, तो it was hidden. Next is little by little each day it grew. Little by little it sipped the dew. Dew वो होता है, here you can see the picture of dew drops on a leaf. विंटर मॉर्निंग में आप अक्सर आप लोग देखते होंगे, लोग पैर नंगे पैर भी पार्क पे चलते हैं विंटर की मॉर्निंग में, तो पत्तियों पे विंटर्स के टाइम में स्पेशली पत्तियों के पर बहुत छोटे 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 से टाइनी ड्रॉपलेट्स आपको देखने को मिलेंगे, जो बहुत सुंदर लगते हैं और सूरज की रोशनी में चमकते भी हैं, हीरे जैसे लगते हैं वो. तो वो पानी की बहुत छोटी छोटी सी बूंदें होती हैं. तो जब ये कह रहा है इट सिप्ड द ड्यू, सिपिंग इज ड्रिंकिंग समथिंग विद अ स्मॉल माउथफुल. ये ड्यू को पिया मींस पानी मिला, एकॉर्न सीड को पानी मिला. डाउनवर्ड इट सेंट आउट अ थ्रेड लाइक रूट. थ्रेड होता है धागा. तो जब पौधे में से जब रूट्स निकलती है तो वो उस टाइम निकलने के टाइम में बहुत पतली सी होती हैं. तो उसने कहा है धागे के समान रूट्स उसने जमीन पे भेजी अंदर. अप इन द एयर स्प्रैंग अ टाइनी शूट. एंड शूट इज द फॉरमोस्ट पार्ट ऑफ अ प्लांट, जिससे कि प्लांट ग्रो करता है, जिसमें से पत्तियां निकलती हैं. जब बीच में से प्लांट जमीन के ऊपर ऊपर आता है उस पार्ट को हम लोग शूट बोलते हैं. हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ अ शूट. तो सिप्ड, हियर यू कैन सी इट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ सिप, मींस ड्रिंक समथिंग टेकिंग स्मॉल माउथफुल्स. बहुत धीरे धीरे करके एक एक घूट करके, छोटा सा घूट करके पीना. Thread is a long thin strand, dhaga, and sprang is move rapidly upward. Upar ki taraf dheere dheere tezi se badhna. Day by day and year by year. To aise hi dheere dheere din par din beete chale gaye, uske baad saal pe saal beete chale gaye. Little by little the leaves appear. Aur dheere dheere karke us acorn seed ke बड़ा होने लगा, उसमें लीव्स आने लगी, पत्तियां आने लगी. एंड द स्लेंडर ब्रांचेस स्प्रेड फार एंड वाइड. और उसकी पतली जो ब्रांचेस थी वो दूर दूर तक फैल गई. टिल द माइटी ओक इज द फॉरेस्ट प्राइड. और तब तक फैलती रही जब तक कि वो ह्यूज स्ट्रॉन्ग माइटी ओक ट्री फॉरेस्ट का गौरव नहीं बन गया. सब लोग बहुत प्राउड करते थे कि अरे वो कितना सुंदर, कितना विशाल पेड़ है. सो द स्लेंडर इज थिन
and the mighty is strong and huge. So here we have come to an end of the poem. Enjoy learning.